नमस्कार, सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहानी पढ़ने जा रहे हैं ताई, और यह कहानी है, इसके लेखक हैं, कहानीकार हैं विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक। कौन से दिन का उपनाम है? विश्वंबर नाथ जी की जो कहानियां हैं वे समाज और परिवार से जुड़ी हुई हैं, आदर्शवादी कहानियां हैं, और ये अपनी कहानियों में परिवार के स्थिति को, परिवार में समाज की स्थिति को बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। समाज की विसंगतियों को, परिवार की विसंगतियों को, उनमें फैलने वाले जो स्थितियां हैं, उनको अलग करने वाली जो स्थितियां हैं, उनको बहुत ही अच्छे प्रकार से आदर्श रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और उनके हल का, उनके समझौते का बहुत ही सुंदर ये प्रयास करते हुए नजर आते हैं। भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो कौशिक जी ने बहुत ही सरल और प्रभावमयी भाषा का यहां प्रयोग किया है। इनकी जो कहानी है आज पढ़ेंगे हम ताई। ताई शीर्षक से कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है। पारिवारिक, परिवार की विसंगतियों को उजागर करने वाली कहानी है कि किस प्रकार एक परिवार का एक सदस्य किसी कारण ईर्ष्या का शिकार हो जाए, और किस प्रकार बच्चे की जो कोमल भावनाएं हैं, कोमल उसकी जो कलाएं हैं, वे किस प्रकार उस कठोर हृदय को कोमलता में परिवर्तित कर देती हैं। तो परिवार की विसंगतियों को तोड़ने में बच्चों के इस कोमल कार्य का बहुत ही सुंदर योगदान भी रहता है। तो इस प्रकार की कहानी है ताई। आइए इसके पात्रों के बारे में बात करते हैं। ईश्वरदास उम्र 32 साल है, कृष्णदास इनके भाई हैं 25 वर्ष की है, रामेश्वर देवी जो है वो ईश्वरदास जी की पत्नी है, पत्नी है, और इनकी पत्नी है। इनका भाई है छोटा कृष्णदास। ईश्वरदास जी की कोई संतान नहीं है, और कृष्णदास इनके छोटे भाई के दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं, एक मनोहर है, एक बेटा है जिसकी उम्र 5 साल है, और एक बेटी है जिसकी उम्र 2 वर्ष है। ईश्वरदास जी का बहुत बड़ा व्यापार है, अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और बहुत ही सुलझे हुए, आदर्शवादी और मानवीय गुणों से युक्त बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले सज्जन व्यक्ति हैं। कोई संतान नहीं है इनकी, रामेश्वर देवी इनकी पत्नी है और इनके कोई संतान नहीं है, इस बात का उन्हें दुख है। लेकिन चूंकि छोटे भाई के जो बच्चे हैं उनको ही उन्होंने इतना स्नेह दिया, ईश्वरदास जी ने इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया कि उन्हें अब निसंतान था कि कोई दुख होने का, कोई उन्हें दुख नहीं होता, यह उन्हें बिल्कुल क्षण भर के लिए भी यह एहसास नहीं होता कि मेरे बच्चे नहीं है। कहानी कहां से का क्या स्तर है देखिए। अब स्थिति शुरू होती है कि ईश्वरदास जी जो है वो सुलझे हुए बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, दूसरी ओर इनकी पत्नी रामेश्वरी देवी जो है वह निसंतानता के दुख से बहुत ज्यादा ग्रस्त है। वह चाहती है कि खुद की संतान हो, अपनी संतान हो, और इसके लिए वह बहुत सारे पाखंडों को, आडंबरों में, अंधविश्वासों में फंसी हुई रहती है, व्रत में, त्योहारों में, बहुत सारे ऐसे व्रत करने का प्रयास करती है कि जिससे उसे संतान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ईश्वरदास जी जो है वे इस बात को नकारते हैं, वे कहते हैं कि यदि शायद हमारे भाग्य में यह संतान सुख नहीं है। अब ईश्वरदास जी जो हैं दोनों बच्चों से बहुत ही ज्यादा स्नेह करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और बच्चे भी ईश्वरदास से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, और इस बात का दुख सबसे ज्यादा रामेश्वरी देवी को है कि ये इन बच्चों के प्रति इनका प्रेम देखकर, अपने पति का प्रेम देखकर वे बहुत ज्यादा कुंठित होती है, दुखी होती है कि इन बच्चों से इतना ये प्रेम करते हैं, यदि इनकी जगह मेरे बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। तो यह ईर्ष्या, यह थोड़ा दुख उसके मन में बैठा हुआ है। अब जो रामेश्वरी देवी है इस दुख से ग्रस्त होकर अपने पति से बहुत बार कहती है कि ये व्रत किया जाए, ये अनुष्ठान किया जाए, लेकिन ईश्वरदास जी हर बार मना कर देते हैं। उसके मन में इस बात का भी दुख है कि अब शायद इन बच्चों के वजह से, इन बच्चों के प्रेम के कारण मेरा पति जो है वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं। दूसरी ओर ईश्वरदास इन दोनों बच्चों से, मनोहर से और उसकी बहन से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं। जो वो कहते हैं बच्चे, कुछ उनके लिए उपहार लेकर आते हैं, कुछ उनके लिए खाने पीने की चीज लेकर आते हैं, और बच्चे बहुत ही स्नेह से उनके साथ रहते हैं। इस स्नेह को देखकर रामेश्वरी देवी जो है कुंठित रहती है, बहुत दुखी रहती है, और उसके मन में कहीं ना कहीं मातृत्व भाव है,
लेकिन वह उसको बाहर नहीं दिखा पाती है, बाहर नहीं निकाल पाती है और इन बच्चों से वो इतना क्रोधित रहती है कि वह इनके मर जाने की इच्छा करती है कि ये मर जाएं तो कम से कम शांति मिले। बच्चे अपने मनोहर क्रीड़ाओं से पूरे घर को बहुत ही प्रसन्नता का माहौल बनाकर रखते हैं, प्रसन्नता का वातावरण बनाकर रखते हैं। अब होता क्या है, स्थिति क्या होती है कि ईश्वरदास जी जो है एक बार मनोहर खेलता खेलता रामेश्वरी देवी के गोद में जा गिरता है और वह इसे दुत्कार कर इसे अलग कर देती है। इस बात से ईश्वरदास जी बड़े क्रोधित होते हैं, वो कहते हैं कि भाई बच्चे के साथ यदि प्रेम से व्यवहार नहीं किया जाए तो बच्चे जो हैं उनके मन में कभी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, हमारे प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। इस स्थिति को रामेश्वरी देवी नहीं सोचती, वह कहती है कि भाई कि मुझे ये बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। अब स्थिति कहां होती है कि एक बार मनोहर जो है छत पर पतंग उड़ा रहा होता है, पतंग खेल रहा होता है और वहां रामेश्वरी देवी भी बैठी हुई होती है। कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि रामेश्वरी देवी के मन में इच्छा भी आती है कि कितने सुंदर बच्चे हैं, इनकी क्रियाओं को देखकर, इनके खेलने के ढंग को देखकर रामेश्वरी देवी के मन में मात्रत्व भाव जाग उठता है और कहते हैं, वो सोचती है कि भाई यदि मेरे बच्चे होते तो ऐसे ही होते और कितने अच्छे होते, इनकी कितनी अच्छी इनकी बोली है, कितना अच्छा ये व्यवहार करते हैं, कितना अच्छा ये इनकी क्रियाकलाप है। तो वह उसका मात्रत्व भाव जागृत है लेकिन वह उसे प्रकट नहीं कर पाती है। और होता क्या है कि बच्चे भी उसी से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करता है। वे मन की भावनाओं को शायद उनमें संवेदनशीलता की यह स्तर होता है कि वे समझ जाते हैं कि शायद ताई, क्योंकि बच्चे कहते हैं बच्चे के लिए क्या हुई रामेश्वरी, ताई हुई, वो समझते हैं कि ताई हमसे प्रेम नहीं करती है। तो कई बार बालपन में अबोध ज्ञान में वो ये भी कह देते हैं कि यदि ताई तुम हमारा कहना नहीं मानोगी, यदि तुम हमें मारोगी तो हम तुम्हें ताऊ जी से पिटवाएंगे या हमें तुम्हें डांट खेलवाएंगे। तो इस बात से और भी ज्यादा क्रोध रामेश्वरी देवी को हो जाता है। अब घटना कहां पर बदलती है, कहां उसका हृदय परिवर्तन तो होता है, वह स्तर आता है कि एक बार मनोहर जो है छत पर रहता है और वहीं रामेश्वरी देवी भी उपस्थित होती है। तो कहीं से पतंग उड़कर आती है तो जो मनोहर है वह ताई के टांगों पर लिपट जाता है और वो कहता है कि ताई मुझे वो पतंग दीजिए, पतंग ला कर दीजिए। लेकिन ताई उसे अनसुना कर देती है और वह उसकी कोई बात नहीं सुनती है। इतने में मनोहर जो पतंग आकर गिरती है वह उनके ऊपर छत पर जो एक दरवाजा होता है और दरवाजा जो है सीधा छज्जे पर, उसके नीचे आंगन होता है तो छज्जे पर खुलता है। तो वह मनोहर जो है उस पतंग को लेने के लिए उस दरवाजे को खोलकर, गेट को खोलकर छज्जे पर जाता है और जैसे ही वो पतंग की ओर मुड़ता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे की ओर लटक जाता है। इस दृश्य को रामेश्वरी देवी देखती रहती हैं लेकिन कुछ उसको बचाने का प्रयास नहीं करती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा लटकता है तो वो भागकर जाती है, उसको हाथ देने का प्रयास करती है लेकिन वह बच्चा नीचे गिर जाता है, आंगन में गिर जाता है। और जैसे ही बच्चा नीचे गिरता है आंगन में तो रामेश्वरी देवी जो है बड़ी दुखी होकर चिल्लाकर वहीं बेहोश हो जाती है। अब वे जब बेहोश हो गई और जब उन्हें होश आता है तो सभी परिवार के लोग उनके पास बैठे हुए हैं और वो केवल ये बड़बड़ाती रहती हैं कि मनोहर कैसा है, कि मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे बचाया नहीं, मनोहर कैसा है। तो सभी परिवार के लोग कहते हैं कि मनोहर बिल्कुल सही है, स्वस्थ है। और फिर रामेश्वरी देवी जो है उसका मन जो है बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, उसका कठोर मन पिघल जाता है और वह अपने बच्चे से भी ज्यादा, अपने खुद के बच्चे से का जो उनको नहीं होने का जो दुख था वह सब कुछ दूर हो जाता है और वह मनोहर से बहुत ही ज्यादा अत्यधिक स्नेह करने लग जाती है। तो इस प्रकार जो उसका कठोर मन था, उसका ईर्ष्यालु मन था, कुंठित मन था, उसको मनोहर अर्थात उसकी बहन और उसके मनोहर और उसकी बहन के सुंदर कार्यों ने, उनके सुंदर क्रियाकलापों ने उसके कठोर मन को भी पिघलाकर बहुत ही कोमल और सरल बना दिया है। अब यहां ईश्वरदास जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं और ताई जो है उनका जो स्वरूप है, मुख्य पात्र इसमें बैठती है हमारी ताई, जिन्होंने जो अपने निसंतान भाव से दुखी हैं, लेकिन निसंतान भाव से दुखी होने के कारण उनमें कहीं ना कहीं मातृत्व के गुण हैं, क्योंकि वो क्या है, एक स्त्री है और वह अपने इस गुण को प्रकट नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही बच्चे की स्थिति इस प्रकार से देखती है तो उन्हें एहसास होता है कि शायद मेरी वजह से यह बच्चा किसी कठिनाई में, किसी दुविधा में फंस सकता था, इसे चोट लग सकती थी, किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता था। तो उसका मन बिल्कुल परिवर्तित होकर कठोर मन पिघल जाता है और वह उसके मन में मातृत्व का जो भाव छिपा हुआ था वह पूर्ण रूप से सामने आ जाता है।
अब इस कहानी का हम देखें कि इस कहानी में हमारे सामने क्या स्थिति आती है और इसका मूल भाव हमारे सामने क्या आता है। तो सबसे पहले तो पात्रों के बारे में दोबारा देख लेते हैं। ईश्वरदास जी हैं और ताई जो इस कहानी की मुख्य पात्र हैं रामेश्वरी देवी। इस कहानी के मूल भाव के रूप में मूल भाव पर पहले चर्चा करते हैं कि मूल भाव इस कहानी का क्या है। इस कहानी में हमें परिवार की विसंगतियों का चित्रण देखने को मिलता है। किस कहानी में परिवार की विसंगतियां देखने को मिलती है कि सारे परिवार के जो लोग हैं वो एक समान विचारधारा के नहीं होते, किसी ना किसी के मन में ये कुंठा या अलग प्रकार का भाव होता है। तो यहां हमारे सामने परिवार की विसंगतियों का चित्रण है। ईर्ष्या, द्वेष पर मातृत्व भाव की विजय है। मातृत्व भाव की विजय है। ईर्ष्या द्वेष पर जो कुंठित भाव था ताई का रामेश्वरी देवी का, उस पर किसकी विजय हुई? मातृत्व भाव की विजय हुई। अंधविश्वास का खंडन है। यहां बताया गया कि आवश्यक नहीं कि खुद के बच्चे हों तभी हम प्रेम करेंगे, नहीं, अंधविश्वासों रूढ़ियों से फंसे रहने से कभी यह सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम यदि हम प्रेम स्नेह किसी अपने ही बच्चे को, अपने भतीजे को या किसी अपने परिवार के बच्चे को देंगे तो वही स्नेह हमें प्राप्त होता है। निसंतानता के दुख का चित्रण है। यहां यह बताया गया है कि निसंतान ताके दुख का चित्रण है कि निसंतान जब व्यक्ति कोई होता है तो उसके दुख का वर्णन करना अवर्णनीय है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। किस प्रकार उस दुख को वह मन ही मन में महसूस करता है यह यहां इसमें बताया गया है कहानी में। और अंतिम है पारिवारिक मर्यादा का पालन। पारिवारिक मर्यादा का पालन इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो इस कहानी का मूल भाव हमारे सामने आता है ये कुछ पॉइंट के आधार पर कि इस कहानी के लेखक कौन है? विश्वम्भरनाथ शर्मा जी हैं। क्या बताया गया है? परिवार की विसंगतियों का चित्रण है। ईश्वर देश पर मातृत्व भाव की विजय है। अंधविश्वास का खंडन है। निसंतानता के दुख का चित्रण है और पारिवारिक मर्यादा का पालन इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र जो है ताई, उसकी चारित्रिक विशेषताओं की ओर नजर डालते हैं कि क्या उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, तो उसकी ओर देखते हैं। पहले आप इनको आप नोट कर सकते हैं, फिर इनकी चारित्रिक विशेषताओं की ओर हम नजर डालेंगे। देखिए आगे ताई की चारित्रिक विशेषताएं हमारे सामने क्या आती हैं। कैसी है? ईर्ष्यालु है, ये भावना उसमें दिखाई देती है। अंधविश्वासी है, ईर्ष्यालु है, अंधविश्वासी है, मातृत्व के गुणों से युक्त है, निसंतान के भाव से ग्रस्त है, भाग्यवादी है,
संवेदनशील है, ये कुछ चारित्रिक विशेषता हमें दिखाई देती है कि वह ईशालु है, ठीक है, कुंठित भाव से युक्त है, अंधविश्वासी है, मातृत्व गुणों से युक्त है, निसंतानता के भाव से ग्रस्त है, भाग्यवादी है और संवेदनशील ताबी में उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो ये ताई की चारित्रिक विशेषताएं हैं। हमने इस कहानी का मूल भाव हमने देखा है, इसकी चारित्रिक विशेषता हमने देखी है। तो इस आधार पर यह जो कहानी है हमारी यह समाप्त होती है, कहानी है ताई। अब तक हम हमारी ये तीसरी कहानी है, हमने उसने कहा था कहानी की है, उसकी रात हम कहानी कर चुके हैं और तीसरी कहानी हमारी ताई। इसी क्रम में हम जो अपनी अगली कहानी आएगी उसे हम अगली क्लास में अपने में आरंभ करेंगे। धन्यवाद।